चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी, जो कि इस्कॉन से एसोसिएटेड एक हिंदू साधु हैं, हिंदुओं के लिए बांग्लादेश में आवाज उठा रहे थे, लेकिन बांग्लादेश की सरकार ने उनको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया और परसों उनको बेल भी नहीं मिली, उनकी बेल रिजेक्ट हो गई। इस केस के बारे में बात तो हो रही है हमारे देश में, लेकिन क्या सिर्फ बात करना काफी है? क्योंकि सिर्फ बात हो रही है, एक्शन अभी तक कुछ नहीं लिया गया। कुछ मीडिया चैनल में डिबेट हुई, कुछ साधु संतों ने विरोध दर्शाया है, दुख जताया है, बंगाल में कुछ जगह विरोध प्रदर्शन हुआ, भारत सरकार ने आलोचना भी की है, लेकिन क्या सिर्फ आलोचना करना काफी है? क्या सिर्फ आलोचना करने से हमारा हिंदू साधु बांग्लादेश की सरकार से छूट जाएगा? नहीं, एक्शन की रिक्वायरमेंट है। सिर्फ बात करना काफी नहीं है, और यहां पर दो लोगों की चुप्पी बहुत ज्यादा खल रही है, एक तो इस्कॉन, दूसरा भारत सरकार। क्योंकि ये साधु इस्कॉन से एसोसिएटेड थे, तो इस्कॉन कहां है? इस्कॉन तो एक कोई छोटी मोटी संस्था या इंस्टीट्यूशन नहीं है, इस्कॉन तो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि सिर्फ देश ही नहीं विदेशों में भी उनके कई टेंपल्स हैं, सेंटर्स हैं, और उनके कई साधु बहुत ही वोकल भी हैं। तो इस्कॉन क्यों नहीं इसमें कुछ बोल रहा है? इस्कॉन की कोई स्टेटमेंट, कोई आवाज, कोई विरोध प्रदर्शन क्यों नहीं आ रहा है? इस्कॉन के साधु क्यों नहीं है सड़कों पर? और अगर रही बात कि उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि बांग्लादेश यानी दूसरे देश में अगर हमारे हिंदू साधु अरेस्ट हो गए तो क्या किया जाए, अगर हमारे हिंदू साधु के ह्यूमन राइट्स किसी और देश में वायलेट हो रहे हैं तो ऐसे में लीगली क्या किया जा सकता है, तो हम आपको बताते हैं। हम इस कॉल को यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से एडवाइस देना चाहते हैं कि आप इसमें लीगली भी स्टेप ले सकते हैं। इंडिपेंडेंटली आप चाहें तो यूनाइटेड नेशंस में एक ह्यूमन राइट्स काउंसिल होता है, जहां पर कोई भी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है तो वहां पर पेटिशन फाइल की जा सकती है। और जरूरी नहीं कि वहां पे कोई देश ही पेटिशन कर सकता है, कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन भी यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट्स काउंसिल में एप्लीकेशन पेटिशन फाइल कर सकते हैं। किसी के साथ भी अगर किसी का भी ह्यूमन राइट्स वायलेट हुआ है किसी भी देश में, तो यूनाइटेड नेशन में वो पेटिशन फाइल की जा सकती है। तो हम ये एडवाइस देना चाहेंगे इस्कॉन को कि आप कुछ लीगल एक्शन तो लीजिए। एक तो आप नंबर वन भारत सरकार को रिप्रेजेंटेशन फाइल कर सकते हैं कि भारत सरकार इसमें इमीडिएटली दखल देकर इमीडिएटली कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ले। दूसरा, आप इंडिपेंडेंटली यूनाइटेड नेशंस में जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है वहां पर आप पेटिशन फाइल कर सकते हैं कि हमारे एक हिंदू साधु को बांग्लादेश की सरकार ने इलीगली अरेस्ट किया है और उनके ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहे हैं। हालांकि उसमें ये प्रोविजन है कि सारी रेमेडीज को एग्जॉस्ट करने के बाद ही वहां पर आना चाहिए, लेकिन वहां पर उसमें एक और ये भी प्रोविजन है कि अगर कोई इमरजेंट सिचुएशन है, अगर आप अप्रोच नहीं कर सकते उस पर्टिकुलर देश में, तो डायरेक्टली यूएन में भी आया जा सकता है, डायरेक्टली पिटीशन यूनाइटेड नेशन में भी फाइल की जा सकती है। तो ये हमारी एडवाइस है इस्कॉन के जो ऑफिस बेयरर्स हैं, जो इस्कॉन के साधु हैं, जो इस्कॉन के पद पे बैठे हैं, कि आज आप चुप मत बैठिए, कम से कम लीगल एक्शन तो लीजिए। और दूसरी चुभ रही है भारत सरकार की लाचारी, कि भारत सरकार ने आलोचना तो की है लेकिन उस आलोचना पर बांग्लादेश की सरकार ने क्या किया? उनको जवाब दे दिया और जवाब में कह दिया कि आप हमारे इंटरनल अफेयर्स में दखल देंगे तो हमारी फ्रेंडशिप पर असर पड़ेगा, और उसके बाद से भारत सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो इस्कॉन के साथ साथ भारत सरकार से भी हमारा ये सवाल है कि भारत सरकार इसमें क्यों नहीं कोई एक्शन ले रही है? जिस भारत सरकार को हम हिंदुओं ने इसलिए वोट किया कि वो भारत सरकार हिंदुओं के लिए कहीं ना कहीं आवाज उठाएगी, जहां पर कोई हिंदू फंसा होगा, किसी हिंदू के साथ अत्याचार हो रहा होगा, तो यही भारत सरकार वहां पर कुछ ना कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेकर अपनी ताकत दिखाएगी। और ये बांग्लादेश तो हमारे देश से कितना छोटा देश है, क्या ताकत है उसकी हमारे देश की ताकत के सामने? और यही समय है कि हमारी भारत सरकार अपनी ताकत दिखाए, फिर चाहे वो किसी भी तरह एक्शन ले, लेकिन एक्शन तो ले, चाहे वो एक्सटर्नल अफेयर्स के जरिए कोई भी स्टेप उठाए, लेकिन कुछ तो एक्शन उठाए। और जो लीगल एक्शन हमने इस्कॉन के लिए बताया कि यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट्स काउंसिल में जाकर पिटीशन फाइल की जा सकती है चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी को रिलीज करने के लिए, वही पिटीशन भारत सरकार भी यूनाइटेड नेशन में फाइल कर सकती है। तो चाहे इस्कॉन हो या फिर भारत सरकार हो, कोई तो यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट काउंसिल में जाके पिटीशन फाइल करे और इमीडिएट रिलीज ऑफ चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी के लिए आवाज उठाए। बिकॉज अगर यहां पर इस स्टेज पर इस केस में अगर आवाज नहीं उठाई गई या कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो इस तरह के केसेस बार बार रिपीट होंगे, और सिर्फ बांग्लादेश को ही नहीं बल्कि कितने और देशों को भी ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हम किसी भी हिंदू को पकड़ के जेल में डाल सकते हैं और भारत देश या भारत के हिंदू इसमें कुछ नहीं करेंगे।
तो डिप्लोमेटिक जो भी स्टेप भारत सरकार को लेने हैं वो जरूर लें, साथ ही में इस्कॉन लीगल स्टेप जो हमने यहां पर बताया वो जरूर लें। इस वीडियो के माध्यम से हम इस्कॉन को यही संदेश, यही एडवाइस देना चाहते हैं ताकि किसी भी इस्कॉन के ऑफिस बीरर तक अगर ये बात पहुंचे तो आप इमीडिएटली स्टेप लें और चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी को इमीडिएटली रिलीज किया जाए।